बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का नाम है और बुक है TS अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले बैलेंस शीट बना लीजिए एडमिशन से पहले की। आपको एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल और जेड कैपिटल दे रखी है 15,000, 17,500 और 20,000। उसके अलावा लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं 30,000। उन्हें एसेट्स में दे रखा था कैश के अलावा। हमारे पास मोटर है 12,000 की, फर्नीचर है 4,000 का, स्टॉक 26,500 का है, डेटर आपके 37,800 के हैं। तो जब हमने इन दोनों सेट बैलेंस किया तो बैलेंसिंग फिगर कैश निकला है 2,200 रुपये। तो मेनली ये जो हमने कैश को ढूंढने के लिए ये बैलेंसिंग बैलेंस शीट बनाई है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन में ये बता रखा है कि जो हमारा नया पार्टनर है W, वो आया है प्रीमियम लेकर आया है वो 15,000 और कैपिटल लेकर आया है 18,000। तो कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री आप जानते ही है, कैश अकाउंट डेबिट टू W's कैपिटल टू प्रीमियम। प्रीमियम को एक्स वाई जेड में बांट देंगे इनके ओल्ड रेशियो में, जो कि इक्वल है, और ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। उसके अलावा इन्होंने कह रखा है कि मोटर की नई वैल्यू 4,500 है, 9,500 है, तो मोटर में कमी आ रही है 2,500 की, तो रिवोल्यूशन टू मोटर 2,500। फर्नीचर की नई वैल्यू 3,800 दे रखी है, तो 200 रुपये फर्नीचर में कम हो रहे हैं, 200 फर्नीचर के हो गए, तो एक साथ ही बना दिया गया रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मोटर टू फर्नीचर 2,700, 2,500, 2,200। फिर इस लॉस को बांट दिया पार्टनर्स में, एक्स वाई जेड डेबिट हो गए टू रिवोल्यूशन 900, 900, 900। नाउ कम टू द कैपिटल अकाउंट एंड रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि इसमें अकाउंट ही मांगे थे, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड में टू मोटर टू फर्नीचर और लॉस को बांट देंगे बाय एक्स वाई जेड 900, 900, 900। नॉर सी द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंसेस लिख लिए, 15,000, 17,500 और 20,000। नए पार्टनर के लिए 18,000 प्रीमियम बांट दिया बाय PFG। रिवोल्यूशन लॉस बांट दिया, क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लिए, जो एक्स का आया 19,100, 20 का आया, वाई का आया 21,600, जेड का आया 24,100, डब्ल्यू का आया 18,000। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैपिटल दिख ली सबकी नई वाली, जो जोड़कर 82,800 आ गया। लाइबिलिटी एज इज रही। कैश में 33,000 और जोड़ दिया 2,200 में, तो 35,200 हो गया। मोटर को 9,500 लिखा, फर्नीचर को 3,800 लिखा, स्टॉक और डेटर एज इज लिख लिए, 1,12,800, 1,12,800 आ गया बेटा। इस तरह से बच्चों का क्वेश्चन 57 कम्प्लीट हो गया। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन 58 की। 58 में ये दे रखा था कि ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सी आया 1/8 शेयर के लिए। इसमें गुडविल जो है वो इस तरह से निकाली गई, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज, जो पिछले 3 साल के प्रॉफिट है उनको जोड़ा, 70,560 एवरेज निकाला, तो 23,520 एवरेज का 2 ईयर्स परचेज करके फर्म गुडविल निकालनी थी, जो कि 47,040 आ गई। सी के हिस्से गुडविल जाएगी 1/8, जो कि 5,880 हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। अब रही बात एंट्रीज करने की, तो नया पार्टनर जो आया था वो 15,000 कैपिटल आया था, 5,880 प्रीमियम लेकर आया था, तो पहली एंट्री कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम हो गई। फिर प्रीमियम को पार्टनर में बांटना है ए और बी में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो 3:2 ही ले लिया गया। ठीक है, तो प्रीमियम बांटने की एंट्री हो गई वाली। फिर इसको कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्ट करेंगे, इन्होंने सीधा बैलेंस शीट मांगी थी, उनका कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं, तो मैंने करा क्या, क्रेडिटर बैलेंस शीट में एज इट इज लिख लिए। कैपिटल 51,450 थी, उसमें प्रीमियम का पैसा जोड़ दिया। ठीक है, तो ये 54,978 आ गया। ऐसे इसमें भी बी में प्रीमियम का पैसा जोड़ दिया, तो 39,102 आ गया। सी की कैपिटल 15,000 लिखी गई, तो सबको जोड़कर 1,09,080 आ गया। 11,800 ये था, 120,880 हो गया लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड में बाकी सारी एसेट्स तो एसेट लिख ली गई, बस कैश में 20,880 जोड़ दिया, 15 कैपिटल के और 5,880 प्रीमियम के। तो इस तरह से बच्चों का क्वेश्चन 59 भी कंप्लीट हो गया। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन 59 की। उसमें ये कह रखा है कि ए और बी 2:1 के रेशियो पार्टनर हैं, सी 1/4 शेयर के लिए आया। सी जो है वो 10,500, वो 7,500 रुपये कैपिटल लेकर आया था, 3,000 प्रीमियम लेकर आया था, तो टोटल कैश वो लेकर आया 10,500। प्रीमियम लाने की एंट्री आप जानते हैं, कैश टू सी इज कैपिटल टू प्रीमियम। ठीक है, पार्टनर का ओल्ड रेशियो 2:1 है, उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंसिडर कर लिया और प्रीमियम को ए और बी में बांट दिया। ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चन में रिवोल्यूशन के कुछ पॉइंट दे रखे थे, वो इस तरह से थे कि स्टॉक को 5% कम करना है। तो स्टॉक तो ज़्यादा था, वो 10,000 था, तो रिवोल्यूशन टू स्टॉक 500। मशीनरी को 5% कम करना था, तो 16,500 का 875 आ गया 5%। और डेटर पर प्रोविजन बनाना 375 का क्वेश्चन में दे रखा था। तो तीनों ही नुकसान के पॉइंट थे, रिवोल्यूशन डेबिट हुआ, तीनों क्रेडिट हुए 1,750।
उसके अलावा इन्होंने कहा था कि बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 2500 रुपये से, तो बिल्डिंग को 2500 रुपये से अप्रिशिएट कर दिया। रिवोल्यूशन के पॉइंट खत्म हो गए। रिवोल्यूशन 2500 से एक राइट हो रहा है, 1750 से डेबिट, तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ गया 750, जो पार्टनर में बांट दिया गया ओल्ड रेशियो में 2:1, 500 और 250। रिवोल्यूशन अकाउंट में नुकसान वाली चीज़ें डेबिट साइड में लिख दी, स्टॉक प्लांट मशीनरी प्रोविजन और बिल्डिंग यहाँ लिख दिया, जो गेन था वो डेबिट साइड में बांट दिया गया। डीजल प्रॉफिट नहीं बांटता है डेबिट साइड में। रिवोल्यूशन अकाउंट तो हो गया कंप्लीट, नाउ कम टू द कैपिटल अकाउंट। इनके पुराने बैलेंस जैसे 15,000-10,000 वो लिख लिया, नए पार्टनर की कैपिटल लिख ली, PFG लिख दिया, रिवोल्यूशन प्रॉफिट लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। भाई कैपिटल में आमतौर पर आप ध्यान रखिएगा, बैलेंसेज आते हैं, एक्विपमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेज आते हैं, रिवोल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस आता है, फिर कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर आती है, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर कोई अदर चीज़ होती है। तो बाहर CGO इस तरह से ध्यान रख लीजिएगा, कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए कुछ भी। कम टू द बैलेंस शीट, कैपिटल नए वाले लिख दी, क्रेडिटर एज इट इज अनचेंज्ड, बिल्डिंग 2500 बढ़ा के लिखी, प्लान मशीनरी वो 875 माइनस करके लिखी, स्टॉक 500 माइनस करके लिखा, डेटर में से प्रोविजन हटा के लिखा, कैश में दो चीज़ें जोड़ दी, 600 रुपये कैश पहले था, 10,500 जोड़ दिया कैपिटल प्रीमियम का, तो 11,100 हो गया, टोटल आ गया 69,200। आई होप बच्चों आराम से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ये देख लीजिए, तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 59 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 कुछ इस तरह से था आपका, इसमें आपको कुछ एंट्रीज भी मांगी थी क्या, एक बच्चों 60 की बात कर रहे हैं, 60 में बात कर रहे हैं, 60 में एंट्रीज भी मांगी थी आप लोगों से। तो क्वेश्चन नंबर 60 की एंट्रीज कुछ इस तरह से है, आपका क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से मैं रीड कर देता हूँ हम लोगों के लिए। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन 60 आपको ए और बी दे रखे थे पार्टनर, जिनका पुराने रेशियो 2:1 है, बैलेंस शीट में बिल पेबल क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल थी इनकी, एसेट साइड में इनका कैश इन हैंड बैंक ये सब दे रखा था, डेटर स्टॉक प्लांट बिल्डिंग। सी आया 100,000 रुपये कैपिटल और 60,000 प्रीमियम लेकर आया, तो 100,000 कैपिटल 60,000 प्रीमियम, तो कैश टू प्रीमियम टू कैपिटल आ गया। फिर प्रीमियम अपने हमने बांट दिया उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड को ही मानते हुए 2:1। उसके बाद रिवोल्यूशन के पॉइंट हैं आपके, प्लांट को एक बढ़ाकर 120 करना है, पहले वो 100,000 था तो 20,000 बढ़ गया, प्लांट टू रिवोल्यूशन 20,000। फिर कहा गया आपसे बिल्डिंग को अभी अप्रिशिएट करना है 10%, बिल्डिंग 100,050,000 थी, 10% 15,000 आ गया। फिर उन्होंने कहा कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो रिवोल्यूशन टू स्टॉक, ओवर वैल्यूड है तो कम करना पड़ेगा, स्टॉक कम करेंगे तो क्रेडिट, रिवोल्यूशन डेबिट हो गया। उसके अलावा आपका डेटर प्रोविज़न बढ़ाना है 5% का, डेटर है 60,000 का, 5% 3,000 हो गया। उसके अलावा क्रेडिटर 1,000 रुपये का अनरिकॉर्डेड है वो रिकॉर्ड कर लिया, चेक करके देखा तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट आया, क्योंकि देखिए रिवोल्यूशन 20 और 15-35 से तो क्रेडिट हो रहा है, 4, 3, 7 और 8 से डेबिट हो रहा है, तो ओवरऑल रिवोल्यूशन का प्रॉफिट 27,000 आ गया, जो 2:1 ने बांट देंगे ए और बी में, ठीक है बच्चों। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में फायदे वाली बात है क्रेडिट साइड में, नुकसान वाली बात है डेबिट साइड में, और ये प्रॉफिट बांट दिया वो भी डेबिट साइड में, डिजिटल प्रॉफिट डेबिट साइड में आता है आप जानते ही हैं, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया आपका एंट्रीज और रिवोल्यूशन अकाउंट। अब आते हैं बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की और बैलेंस शीट की। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाई गई। इनके बैलेंसेज दे रखे थे कैपिटल के 180 और 150 ए और बी के, नया पार्टनर जो कैपिटल है 100,000 यहाँ लिख दिया, प्रीमियम तो वो हमेशा ए और बी के रहता है वहाँ लिख दिया, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिख दिया, बस एक्विपमेंट प्रॉफिट और लॉस था नहीं कोई भी, क्लोजिंग बैलेंसेज आ गए 238, 179 और 1,00,000, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द बैलेंस शीट, बिल एज इट इज, क्रेडिटर में 1,000 रुपये बढ़ा के लिख दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज इट इज, कैपिटल नहीं वाले लिख दी, 588 आ गया, कैश में 10,000 था, 160,000 कैपिटल प्रीमियम को जोड़ दिए, 170 हो गया, बैंक एज इट इज रखा 40, डेटर में से प्रोविजन माइनस कर दिया 57 आ गया, स्टॉक में से 4 कम कर दिया 36 आ गया, प्लांट को 100,000 से 120 लिख दिया, बिल्डिंग में 15,000 बढ़ा के लिख लिया 65, टोटल आ गया 588। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 भी कंप्लीट हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 61 में तीन केसेस हैं, जे और के पार्टनर है 3:2 के रेशियो में, उनके बैलेंस शीट में रिजर्व भी दे रखा है 100,000, उनके अपनी कैपिटल भी दे रखी है,
ठीक है, जो हम कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें देख लीजिएगा। एम आया 3 लाख रुपये कैपिटल आया, 1 लाख रुपये प्रीमियम लाया। केस वन में कह रखा है कि जे जो है वो एम जो है अपना शेयर जो है वो जे और के से उनके ओल्ड रेशियो में एक्वायर करेगा। एम हाफ शेयर ले आया था, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसलिए पहले एंट्री प्रीमियम और कैपिटल लाने की, प्रीमियम बांट दिया ओल्ड रेशियो में 3:2, रिजर्व बांट दिया ओल्ड रेशियो में, नया रेशियो निकालना था तो हाफ का 3/5 यानी 3/10 जे का सेक्रीफाइस आ गया, हाफ का 2/5 गे का सेक्रीफाइस आ गया। फिर इनके नए शेयर निकाल लिए, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके नया शेयर आ गया 3/10, इसका नया शेयर आ गया 2/10, एम के शेयर बचते हैं 5/10, तो नया रेशियो आ गया 3:5। इसको हम टोल शेयर 1 मान के भी कर सकते थे तो भी सेम ही आता, टोल शेयर 1 मानते, 1 में से 1/2 माइनस करते, हाफ बचता, हाफ का 3/5 निकालते तो 3/10 जे का नया शेयर आता, हाफ का 2/5 करते 2/10 के का नया शेयर आता, और एम का शेयर को हाफ है जिसे हम 5/10 लिख ही सकते थे तो 3:5 करके भी ऐसे भी आ जाता, टोल शेयर 1 मान के भी नया रेशियो 3:5। ठीक है बच्चों, केस 2 में कहा था कि उसने एम ने अपना शेयर जो है इक्वली एक्वायर किया है जे और के से, तो एंट्रीज तो देखिए कैपिटल और प्रीमियम लाने की सेम ही रही, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू कैपिटल, फिर प्रीमियम को इस बार इक्वली बांटेंगे क्योंकि इक्वली एक्वायर कर रहा है, रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। नया रेशियो कैसे निकाला, एम का शेयर है हाफ, उसका हाफ यानी 1/4 जे देगा, हाफ यानी 1/4 के देगा, उनके पुराने शेयर में से उनका सेक्रीफाइस माइनस कर दिया तो 7/20 जे का नया शेयर आ गया, 3/20 के का नया शेयर आ गया, एम के शेयर को हम 10/20 लिख सकते हैं, नया रेशियो 7:10 आ गया। आसान सही है बच्चों। पार्ट सी पे आ जाइए, इसमें कहा है कि हम अपना शेयर जो है वो उनसे 3:1 के रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, तो भी कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री तो सेम ही रहेगी, कैश टू एम्स कैपिटल टू प्रीमियम, प्रीमियम बटेगा 3:1 के रेशियो में, रिजर्व बटेगा ओल्ड रेशियो में। जे का सेक्रीफाइस हाफ का 3/4 यानी 3/8, के का सेक्रीफाइस हाफ का 1/4 यानी 1/8, तो न्यू शेयर तो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस करके निकलता है तो 9/40 जे का नया शेयर आ गया, 11/40 के का नया शेयर आ गया, 20/40 एम के शेयर को हम कह सकते हैं हाफ को, नया रेशियो आ गया 9/11/20। अब इसकी बैलेंस शीट देखिए किस किस तरह से बनाई गई है इन ऑल द केसेस। ये केस वन है, केस वन में इनके कैपिटल बैलेंसेस थे जे और के 1.5 लाख और 1 लाख, PFG दिया था पहले 60-40, रिजर्व दिया था 60-40, एम की कैपिटल के 3 लाख, कैपिटल के बैलेंस 270-180-3 लाख, कैश में 4 लाख बढ़ा के लिख दिया, 2 लाख पहले था, अगर एसेट एज इट इज आए 7.5-7.5 लाख हो गया। बी पार्ट में कैपिटल वही 1.5 लाख 1 लाख, प्रीमियम 50-50, रिजर्व 60-40, एम की कैपिटल 3 लाख, तो बैलेंस हो गया 260-190-3 लाख, 260-190-3 लाख, 7.5 आ गया बैलेंस शीट एज इट इज रही। तीसरे केस में देख लीजिए 1/50 1 लाख, नया पार्टनर 3 लाख, 75-25 प्रीमियम, 60-40 रिजर्व, रिजर्व तो हर बार ओल्ड रेशियो में बटा है तो 2/85 1/65 और 3 लाख, प्रीमियम के बटने की वजह से कैपिटल जो है अलग अलग आ रही है क्योंकि पहले एक ओल्ड रेशियो में बटा है, अगली बार इक्वली बटा है प्रीमियम, और तीसरे केस में 3:1 में बटा है, जिसके से कैपिटल के बैलेंसेस डिफरेंट आ रहे हैं ए जे और के के। 2/85 1/65 3 लाख, बैलेंस शीट तो 6 लाख और 1.5 लाख आएगा ही आएगा, 6 लाख कैश में और अदर एसेट्स में 1.5 लाख। अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 तक इस तरह से बच्चों के कंप्लीट हो गए, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की, ठीक है, बट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, इसी वीडियो में बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। 62 कुछ इस तरह से है कि आपको मधु और विधि की का रेशियो दे रखा है 2:3, बैलेंस शीट में रिजर्व है इस पर ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा क्रेडिट साइड, उसके अलावा एसेट साइड में ऐसा कुछ नहीं है बटने वाला। गायत्री को नया पार्टनर बनाया गया, नया रेशियो 2:3:5 है, गायत्री 4 लाख कैपिटल लेकर आई है और प्रीमियम लेकर आई है अपना कैश में, पूरे फर्म की गुडविल 3 लाख है, गायत्री के सी गुडविल 1.5 लाख आ जाएगी। सेक्रीफाइस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेक्रीफाइस रेशियो 2:3 ले लेंगे तो 60,000-90,000 इन लोगों को इससे बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, रेवोल्यूशन के पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं पहले। हाँ वैसे न्यू रेशियो दे रखा है तो अगर सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे तो 2/10 और 3/10 ही आएगा, ठीक है ना, यानी सेक्रीफाइस तो 2/10 3/10 है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 आ जाएगा। और रेवोल्यूशन में ऐसा कहा है कि लैंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है 26,000, तो बाय लैंड बिल्डिंग 26,000, प्रोविजन डाउटफुल डेट्स को डेटर के 5% के इक्वल कर दो, 3 लाख का 5% 15,000 होता है तो 10 पहले से ही है, तो रिवोल्यूशन भी तो नए और पुराने का डिफरेंस आता है तो 5,000 आ गया,
वर्कमैन का क्लेम है 6,000 रुपये, तो वो लिख लिया गया क्योंकि WCR तो है नहीं, तो रिवोल्यूशन पे ही बोझ पड़ेगा उसका, और कोई पॉइंट रिवोल्यूशन का है नहीं। 15,000 प्रॉफिट आ गया, 6 और 9 बट गया। रिवोल्यूशन काउंट कंप्लीट। कम टू द कैपिटल काउंट, बैलेंसेज लिख लिए, जर्नजर बांट दिया, नए पार्टी कैपिटल लिख लिए, PFG लिख लिया, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिख लिया, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया 598,417,4,00,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा एप्पल अकाउंट में बैलेंसेज, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, रिवोल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट और फिर कुछ अदर चीज़ें होती हैं, फिर क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। तो बार CGO ध्यान रखा करिए कि आपका बार CGO कंप्लीट हो जाना चाहिए कैपिटल अकाउंट के लिए। कम टू द बैलेंस शीट, कैपिटल लिखी नई वाली 14-15 आ गया सबको जोड़कर। बिल पेबल एज इट इज, वर्कमैन कमीशन क्लेम नई लाइबिलिटी है उसको लिख दिया। लैंड बिल्डिंग 26 बढ़ा के लिखा, मशीन एज इट इज, स्टॉक एज इट इज, डेटर में प्रोविजन नया वाला लिखा 15,000। बैंक में हमने जो जोड़ा है वो ये जोड़ा है, 3,00,000 रुपये उसकी कैपिटल थी जो नया पार्टनर लेकर आया था, 4,00,000 और 1,50,000 प्रीमियम लेकर आया था, 5.5 लाख वैसे हो गया, 50 पहले से था तो इसलिए 6,00,000 आ गया। तो 50,000 प्लस 1,50,000 प्रीमियम के और प्लस 4,00,000 कैपिटल के, तो इस तरह से 6,00,000 आया है। बैंक ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 62 कम्प्लीट हो जाता है बच्चों। कम टू क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कुछ ऐसा कह रखा है कि श्याम और संजय जो है पार्टनर है 2:3 के रेशियो में, उन लोगों ने जो है शंकर को पार्टनर बनाया है, बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस नहीं है। ध्यान रखिएगा, शंकर 30,000 कैपिटल और 20,000 गुडविल लेकर आया है जो बिजनेस में रिटेन कर रहेगी। उसके अलावा BCDEF ये 5 पॉइंट रिवोल्यूशन के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसने कहा स्टॉक ऑफ नेचर को 10% कम करना है, तो स्टॉक 18,000 था, 1,800 आ गया, और नेचर 4,400 था, 440 आ गया। 18,000 में से 1,800 माइनस करिएगा, 16,200 आप बैलेंस शीट में ले सकते हैं स्टॉक, ये देख लीजिए। और फर्नीचर जो है 3,960 आ गया, 4,400 माइनस करिए। अगले पॉइंट में क्या, बिल्डिंग को 15,000 बढ़ाना है, तो बिल्डिंग बढ़ा दी 15,000, बिल्डिंग पहले थी 40, अब 55 हो गए। फिर अगले पॉइंट में कहा गया कि डेटर पे 5% प्रोविज़न बढ़ाना है, पहले कुछ भी नहीं था तो 275 आ गया, डेटर में से माइनस कर दिया प्रोविज़न, तो 5225 आ गया डेटर। वैसे इकट्ठे बढ़ने का बहुत फायदा रहता है, रिवोल्यूशन के सारे पॉइंट साथ से निपटते रहते हैं, रिवोल्यूशन के पॉइंट फिर साथ से निकालना सही रहता है। फिर अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम है 2,400, तो वो यहाँ आ गया, और एक बार एसेट साइड में आ जाएगा अक्रूड इनकम के नाम से 2,400, ये रहा। उसके अलावा हमारा बैडेस रिकवर्ड भी है, वो कह रहा है हमारा एक डेटर था जिसका हमारा 4,800 रुपये डूब गया था, वो 50% पैसा दे रहा है, तो बैडेस रिकवर्ड आ गया 2,400 रुपये। ठीक है बच्चों, यहाँ आ गया, और यहाँ मैंने इसको कैश में ऐड करके दिखा दिया, कैश इन हैंड में। ठीक है बच्चों, 2,400 रुपये को। और फिर जो है इसमें ये भी कहा गया आउटस्टैंडिंग रेंट 4,800 रुपये, वो एक बार यहाँ आ गया, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ गया 4,800 रुपये। तो ये रिवोल्यूशन के पॉइंट साथ साथ निपट गए, रिवोल्यूशन का आपने प्रॉफिट निकाला, वो आया जो है 12,485, और इसको जो है हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया पार्टनर्स के, 4,994 और 7,491 आ गया 2:3 में। इस तरह से बच्चों हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट तो हो गया कंप्लीट। कम टू द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा चीज़ें तो आनी नहीं है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस तो है नहीं, तो पुरानी पार्टनर कैपिटल लिख ली, नए पार्टनर कैपिटल लिख ली, PFG बांट दिया जो 20,000 लेकर आया था 2:3 के रेशियो में, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिख दिया, और कुछ है नहीं। तो क्लोजिंग बैलेंसेज आ गए 47,044, 53,541 और 30,000, 47,044, 53,541 और 30,000 बैलेंस शीट पे है। क्रेडिटर एज इट इज़, कैपिटल नई वाली, आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने बताई दिया कैसे आया, कैश इन हैंड 710 था, 2,400 बैड डेट रिकवर्ड के ऐड कर दिए, बैंक 11,925 था उसमें 30 कैपिटल के और 20 प्रीमियम को ऐड कर दिए, डेटर मैंने बता ही दिया, स्टॉक बता दिया, फर्नीचर बता दिया, बिल्डिंग बता दिया, अक्रूड इनकम बता दिया। इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 63 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, आसान सही था। ठीक है, ये था रिवोल्यूशन अकाउंट, फिर आपका कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 64 की। तो क्वेश्चन नंबर 64 कुछ इस तरह से है बच्चों, इसको इस तरह से देख लेते हैं। पहले इसका रिवोल्यूशन अकाउंट ही देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, 64 में एक आया है ABC पार्टनर हैं, और उन्होंने जो है D को पार्टनर बनाया है, और कैपिटल अकाउंट में उनकी बस कैपिटल दे रखी है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में क्रेडिट और बिल पेबल दे रखे हैं, उसके अलावा आपका एसेट साइड में वैसा कुछ नहीं है जो बढ़ जाए।
फिर उन्होंने कहा डी जो है वो नया पार्टनर बनाया गया, 50,000 कैपिटल लेकर आएगा क्वार्टर शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए यानी। और जिसमें ये भी कहा गया है कि जो क्रेडिटर में 10,000 वो डी को देने हैं, तो डी जो रियल में कैश लेकर आएगा वो सिर्फ 40,000 कैश लेकर आएगा, क्योंकि 10,000 तो क्रेडिटर से डी में ट्रांसफर हो जाएंगे डी कैपिटल में, ठीक है। लेकिन हाँ, इन सब बातों का रेवोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर बी में ये कहा गया कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस 1,200 रुपये प्रीपेड हैं, तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस एक बार यहाँ आ जाएगा 1,200 रुपये, और फिर बैलेंस शीट में आ जाएगा 1,200 रुपये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस के नाम से, प्रीपेड के नाम से। फिर उन्होंने कहा अगले पॉइंट में कि हमने एक्सपेंसेस 2,000 रुपये जो पीएनएल में डेबिट कर दिए थे वो बी के पर्सनल एक्सपेंस थे, तो इससे हमें बी की कैपिटल कम हो जाएगी, फर्म को फ़ायदा हो जाएगा, बी कैपिटल टू रिवॉल्यूशन 2,000, ये बात बी के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी डेबिट साइड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। फिर उन्होंने कहा है कि एक बिल जो था पुराना 4,000 रुपये का वो डिसऑनर हो गया है, जिसको उन्होंने पहले बैंक से डिस्काउंट कराया था। तो देखिए डिस्काउंट क्या बिल डिसऑनर होता है, तो एंट्री होती है डेटर टू बैंक 4,000 4,000, तो इस ट्रांजेक्शन की इफेक्ट से रिवॉल्यूशन तो कहीं नहीं पड़ेगा, लेकिन डेटर 4,000 बढ़ जाएंगे, बैंक 4,000 कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है डेटर पर प्रोविजन बनाइए 5%। तो डेटर जो ऊपर दे रखे हैं बैलेंस शीट में वो 30,000 थे, डेटर बढ़कर हो गए 34,000, तो 34,000 का 5% 1,700 आ गया, तो ठीक है रिवॉल्यूशन जो प्रोविजन जो लिखा जाएगा रिवॉल्यूशन में 1,700 लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये 1,700 कैसे आप समझ सकते हैं, तो बिल रिसीवल वाले पॉइंट से ही था वो, डिस्काउंटेड बीआर से आपका बैंक कम हुआ था 4,000, डेटर 4,000 बढ़े थे, तो ये डेटर का जो प्रोविजन है वो 34,000 रुपये निकाला गया, ना कि 30,000 रुपये। लास्ट पॉइंट ऐसा है कि एक्सपेंसिव रिवॉल्यूशन 2,100 रुपये एन ई फर्म को पे किया, तो एक फर्म का खर्चा है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, फर्म खुद पे कर दी तो रिवॉल्यूशन टू बैंक हो जाता, तो ये रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड में आ जाएगा 2,100 रुपये। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे रिवॉल्यूशन के, तो सारे पॉइंट खत्म हो गए हैं, तो हमने रिवॉल्यूशन का निकाला ओवरऑल बैलेंस, तो 3,800 रुपये डेबिट साइड आ रहा है, 3,200 क्रेडिट, तो 600 का लॉस आ गया। ओल्ड एज में बांट देंगे 300 200 100। कैपिटल अकाउंट पे आते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, 60 60 40 इनकी कैपिटल दे रखे थे, ये डी में 10,000 क्रेडिटर से ट्रांसफर करें, तो क्रेडिटर अब बैलेंस शीट में सिर्फ 20 रह जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 40,000 वो कैश लेकर आ गया, तो कैश में जो कैश पहले 10,000 था उसमें 40 जोड़ दिया, और 4 वो बिल रिसीवेबल सोना हुआ था उसके कम कर दिए, तो बैंक 46 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये 2,100 में समझाई दिया था आपको, ये 40 वाली बात समझ में आई गई आपको, दिस इज 40,000, ध्यान रखिएगा। ये 2,000 समझाई दिया था, ये 300 200 100 और रिवॉल्यूशन का लॉस आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया 61,800 57,800 39,900 50,000। बैलेंस शीट बनाई, कैपिटल लिख लिए नए वाले, इन सबको जोड़ के 2,09,500 आ गया, क्रेडिटर बताई दिया था, बिल पेबल एज इट इज़ आ गया, लैंड बिल्डिंग एज इट इज़, प्लांट एज इट इज़, फर्नीचर एज इट इज़, स्टॉक एज इट इज़, डेटर का पॉइंट डिस्कस हो ही गया था, 30 में 4 जोड़े ब्रिटिश था उसके, 34 में 1,700 प्रोविजन के माइनस के, 32,300 आ गया, बीआर 20,000 रहा, बैंक मैंने भी बताया 46,000 कैसे आया, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस पे पेड थे वो थे 1,200, तो 39,500 39,500 आ गया बच्चा आपका। इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 64 भी कंप्लीट हो जाता है। गुड क्वेश्चन इट इज़, ध्यान रखिएगा, अच्छे पॉइंट्स है इसके। अगले वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 65 से बच्चों, तो 64 तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया बच्चों।